नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टर्बी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपके सामने गौरव निरंजन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ पर्यावरण का ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड आपको मिला होगा, जो मैंने चीजें समझाई थी वो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस दूसरी कड़ी में, इस दूसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उस पहले एपिसोड के आगे, जहां पर हम लोगों ने पर्यावरण, पर्यावरण का क्षेत्र, पर्यावरण के घटक या पर्यावरण को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, हमने ये सारी चीजें समझी थी। उसी के आगे का जो टॉपिक है आज, और इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है, इस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी और साथ ही साथ में पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका हम लोगों को अध्ययन करना है, ठीक ना। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की, तो इंग्लिश में इसको इकोलॉजी बोला जाता है। आमतौर पर हम इकोलॉजी की जो इंग्लिश शब्द है इसका, इंग्लिश जो मीनिंग है इसकी, वो ECOLOGY लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका सही रूप है वो है OEKOLOGIE। इसको फिर हमने दो भागों में बांट दिया, एक को नाम दे दिया गया ओकस और एक को नाम दे दिया गया लोजस। ओकस और लोजस, इन दोनों को मिला के बना है इकोलॉजी। यहां पर जो OIKAS है, ओकस, इसका अर्थ है आवास, इसका अर्थ है आवास, या इसी को हम बोल सकते हैं घर। और लोजस का अर्थ है अध्ययन करना, लोजस का अर्थ क्या है, अध्ययन करना। आवास या घर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक ना। यह अधूरी डेफिनेशन है, अभी समझिएगा। अगर मैं कहूं कि आवास या घर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, तो यह भी आधी डेफिनेशन है। अब अगर हम बात करते हैं कि आवास या घर किसका होगा, तो आवास या घर किसका होगा, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो रिमाइंड करते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण के घटक की बात की जाए, पर्यावरण के अगर घटक की बात हम लोग करते हैं, तो पर्यावरण के दो घटक हैं। पहला घटक जो है वो है जैविक घटक, पहला घटक जो है इस घटक का नाम है जैविक घटक, और दूसरा घटक जो है इस घटक का नाम है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक, यही मैंने आपको समझाया था, यही मैंने आपको समझाया था, जैविक और अजैविक घटक। और जैविक घटक में मैंने आपसे कहा था कि जैविक घटक के अंतर्गत हम लोग सजीव को रखते हैं, किसको रखते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत हम सजीव को रखते हैं, अलाइव, जिनमें जीवन होता है, जिनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, और श्वसन की प्रक्रिया जिसमें होती है उसे हम सजीव कहते हैं। और इसके अंतर्गत या तो हम पेड़ पौधों को रखते हैं, पेड़ पौधों को शामिल करते हैं, पेड़ पौधे, या इसी के अंतर्गत जीव जंतु। पेड़ पौधे और क्या हो सकते हैं, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु। और अजैविक घटक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अजैविक घटक के अंतर्गत हम निर्जीव को शामिल करते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं, तो निर्जीव। तो अगर मैं आपसे कहूं निर्जीव में कौन आता है, तो एक कलम है, ये बॉच है, टी शर्ट है, एक कैप है, चश्मा है, लैपटॉप है, यहां पर माइक है, आपका कैमरा है, बोर्ड है, ये सब निर्जीव है, इनमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, सांस लेने की प्रक्रिया इनमें नहीं हो रही है, तो ये सभी कैसे हैं, ये सभी आपके निर्जीव हैं। तो निर्जीव जो होते हैं उनका तो कोई आवास नहीं होता है, इस मार्कर को हम कहीं भी रख सकते हैं, इसका कोई आवास नहीं है। आवास किसका होता है, तो आवास जो है वो सजीवों के होते हैं। आवास जो है, घर जो है वो किसका होता है, वो सजीव का होता है, निर्जीव का कोई भी आवास या निर्जीव का कोई भी घर नहीं होता है, ठीक ना। तो अगर यहां पर आपसे बात की जा रही है कि ओकस यानी घर या आवास और लॉजस का अर्थ है अध्ययन करना, घर का अध्ययन करना, तो घर किसका होगा, तो यहां पर घर किसके पास होता है, सजीव। तो सजीव के निवास स्थान या सजीव के आवास या सजीव के घर के अध्ययन को ही क्या नाम दे दिया जाता है, पारिस्थितिकी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पारिस्थितिकी। यहां एक चीज और समझिएगा, हमने कहा कि सजीव जो होते हैं, सजीव
सजीव के आवास या निवास स्थान, सजीव के आवास या निवास स्थान का अध्ययन करना, का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कहलाता है ना? क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। अब देखिएगा, अब इनका अगर कोई सजीव है, पेड़ पौधे या जीव जंतु, तो उनका आवास होगा और उन्हीं के आवास के आधार पर उनका अध्ययन करेंगे। तो जब हम इनका अध्ययन करेंगे, जब किसी जीव जंतु या वनस्पति पेड़ पौधे का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन में करेंगे क्या? हम जब भी किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन में हम शामिल करते हैं उसकी विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत क्या शामिल हो सकता है? विशेषताओं के अंतर्गत उनके शरीर की संरचना हो सकती है, उनके श्वसन, उनके श्वसन के प्रकार हो सकते हैं। जैसे मछली, मछली श्वसन किस प्रकार करती है? गलफड़ों के माध्यम से करती है मछली, है ना। मनुष्य किस प्रकार करता है? उनकी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हो सकती हैं, दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हो सकती हैं, उनकी शारीरिक बनावट हो सकती है, उनके खान पान हो सकता है कि कोई शाकाहारी जंतु होगा, कोई मांसाहारी जंतु होगा। अगर पेड़ों की बात करते हैं, हम वनस्पतियों की बात करते हैं, तो कई सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जिनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल गई होंगी, कई सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जिनकी जड़ें सीमित रहती हैं, कई सारे पौधे ऐसे होंगे जो एक बीज पत्री होते हैं, कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन कोई भी, चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो, उनकी विशेषताओं का अध्ययन हम किस आधार पर लगा सकते हैं? उनके निवास स्थान के आधार पर। क्योंकि एक प्रकार की जो वनस्पति है या एक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाएंगी और उस निश्चित क्षेत्र की सामान्य विशेषताएं, मौसमी विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं कैसी होंगी? एक समान होंगी। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आम एक वृक्ष है, बरगद एक और वृक्ष हो गया, पीपल तीसरा वृक्ष हो गया और चंदन, ठीक ना, चंद। मैं अगर आपसे कहूं कि बताइएगा, इन चारों वृक्षों में, चार वृक्ष हैं, आम, बरगद, पीपल और चंदन, मैं आपसे कहूं कि बताइएगा इन वृक्षों में कौन सा डिफरेंट है? कई सारे लोग कई प्रकार के आंसर देंगे। कोई कहेगा सर आम डिफरेंट है, मैं पूछूंगा क्यों? कहेगा सर आम में फल लगता है, बरगद में फल नहीं लगता है, पीपल में फल नहीं लगता, चंदन में फल नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है कि बरगद में और पीपल में फल नहीं लगते, लगते हैं, लेकिन मानव उनको उपयोग नहीं कर पाता है भोजन के रूप में, है ना। कई सारे लोग कहेंगे सर बरगद, क्योंकि बरगद की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में ऊपर जाती हैं, ऊपर से नीचे लटाएं उसकी फैली होती है। कई सारे लोग कहेंगे सर पीपल, क्योंकि हमारे वेदों में उसका उल्लेख है, एक पवित्र पौधा है, ठीक ना। अगर मैं इसमें एक और लिख दूं, नीम लिख दूं, तो कई सारे लोग फिर नीम पर आ जाएंगे, सर नीम एक औषधि फल है या औषधि वृक्ष है, इसकी जड़ है, इसका पत्ता है या इसकी छाल है, उससे हमें कई प्रकार की दवाई मिलती है, कई प्रकार के मेडिसिन बनते हैं, साबुन बनाए जाते हैं। कई सारे लोग कहेंगे सर चंदन, क्योंकि इसका व्यापारिक स्तर पर बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, है ना। तो प्रत्येक आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर सही डिफरेंट की बात करते हैं कि इन पांचों वृक्षों में से डिफरेंट है कौन आखिर विशेषताओं के आधार पर, तो इसका सही आंसर होगा चंदन। इसका सही आंसर चंदन होगा, क्योंकि जो ये तीन या सॉरी चार जो वृक्ष हैं आपके, ये जो वृक्ष हैं, ये पर्णपाती वन है, पर्णपाती वनों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो ये आपके पर्णपाती वनों के उदाहरण है। पर्णपाती वनों की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कहां से मैं टॉपिक, पर्यावरण से टॉपिक उठाकर मैं कहां पर लेके जा रहा हूं, भूगोल में, और भूगोल में भी कहां पर, तो भूगोल में जलवायु वाले चैप्टर पर, और जलवायु वाले चैप्टर से हम इसकी मैपिंग करेंगे कि आखिर अगर ये पर्णपाती वन है तो हमारे दिमाग में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, पहला और दूसरा।
हमारे दिमाग में दो प्रश्न ही आएंगे कि अगर ये पर्णपाती बने तो पर्णपाती बनों की विशेषताएं क्या है। तो मैं आप कहूंगा कि पर्णपाती बन जो होते हैं वर्ष के एक निश्चित समय में, वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्ती गिराते हैं। वर्ष के एक निश्चित समय में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो इनको हम पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं, है ना। अब दूसरा प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये पर्णपाती वन है जो वर्ष के एक निश्चित समय अपनी पत्तियां गिराते हैं, कहां पाए जाएंगे, कहां पर पाए जाएंगे, भारत में या विश्व में? तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता रहा हूं, ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, लगभग लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहीं पर 150 से 180 भी लिखा मिल जाएगा। भारत में आपके तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मिलते हैं, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में बहुत मिलते हैं। उत्तर भारत में बात की जाए तो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बहुलता में पाए जाते हैं, ये विशेषताएं हो गई। तो इन सभी की विशेषताएं अलग हैं, एक अलग भौगोलिक प्रदेश में पाए जा रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं यहां पर वर्षा इतनी मात्रा में हो रही है। वहीं अगर चंदन की बात करते हैं तो चंदन का वृक्ष इन सभी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यह एक पर्णपाती वन नहीं है बल्कि यह एक एवरग्रीन वन का उदाहरण है, सदाबहार वन का उदाहरण है। कौन से वन का उदाहरण है? तो यह आपका सदाबहार वन का उदाहरण है। और सदाबहार वन कहां पर पाए जाएंगे, अब क्वेश्चन ही आ रहा है। तो सदाबहार वन भी इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, औसत वर्षा या औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और आपका पूर्वी हिमालय, तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर औसत से अधिक वर्षा होती है, तो वहीं पर ये पाए जाएंगे। आपके पश्चिमी घाट पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कर्नाटक केरला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, अगर एक विशेषता तो ये हो गई कहां पाए जाएंगे, दूसरा कि सदाबहार वन इसलिए इनको नाम दिया जाता है क्योंकि इनके अंतर्गत जो भी सदाबहार वन होते हैं, जैसे महोगनी है, रोजवुड है, चंदन है, एबोनी है, बांस है, बांस तो अभी एक प्रकार की घास है, है ना, लेकिन वनस्पति में शामिल करेंगे, तो सदाबहार वन ऐसे वनों को कहा जाता है जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। एक वृक्ष अपनी पत्ती गिराता है, दूसरे वृक्ष के पास पत्तियां आ जाती हैं, जिस कारण से वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है और हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं सदाबहार वन। क्या नाम दे देते हैं? सदाबहार। तो हम लोग पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं और पारिस्थितिकी की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताया कि सजीवों का उनके निवास स्थान, उनके वास स्थान, उनके आवास के आधार पर अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। एक उदाहरण बताया मैंने आपका, दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं। अगर देखिएगा यहां पर मैं कुछ जानवरों के नाम लिख रहा हूं, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक ना, हिरन है और मगरमच्छ। यहां पर तो आराम से बता देंगे आप, मैं कहूंगा आपसे कि बताइए बाबू इनमें से डिफरेंट कौन, आप कहेंगे सर मगरमच्छ। मैं आपसे कहूंगा कि डिफरेंट कौन, तो आप कहेंगे मगरमच्छ, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये स्थल पर पाए जाने वाले प्राणी हैं। कहां पर पाए जाते हैं? स्थल पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? तो ये स्थल पर पाए जाते हैं। और मगरमच्छ कहां पर है? तो मगरमच्छ जो है वो जल में पाया जाता है, जलीय जीव जंतु है। तो इसकी विशेषताएं अलग होंगी, इनकी विशेषताएं अलग होंगी और मगरमच्छ की विशेषताएं जो हैं वो अलग होंगी। तो पारिस्थितिकी में यही बताया गया और पारिस्थितिकी में कहा गया कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का हम अध्ययन उनके आवास के आधार पर कर सकते हैं। अब मानव का भी अध्ययन कर सकते हैं इसी आधार पर। भारत में पाए जाने वाले प्राणी अलग प्रकार के होंगे, हमारे शरीर की बनावट अलग है, हमारे मुखौटे, हमारे मुंह की बनावट अलग है, नाक की बनावट हमारे अलग है। मंगोलिया के क्षेत्र में जाएंगे अलग प्रकार के लोग पाए जाएंगे, अफ्रीका के क्षेत्र में जाएंगे अलग प्रकार के लोग पाए जाएंगे, है ना। आप और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएंगे, अलास्का के क्षेत्र में जाएंगे आप, ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे अलग प्रकार के लोग पाए जाएंगे।
तो इसकी भी प्रजातियां बनाएंगे, मंगलॉयड बनाया गया, भूमध्य सागरी बनाया गया, द्रमण बनाए गए, ऑस्ट्रेलाइट बनाए गए, ठीक ना। तो इनकी भी अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं मानव के भी, उनकी किस आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं, उनके निवास स्थान के आधार पर, उनके निवास स्थान के आधार पर आप इसे प्राचीन काल से भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। आइए अब अगला देखिएगा, ये जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग जो है 1866 में अर्नेस्ट हैकल महोदय ने, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी वैज्ञानिक, अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी वैज्ञानिक ने क्या किया, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। शब्द का नाम क्या है, तो शब्द का नाम है पारिस्थितिकी। बखूबी आप समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी क्या है और ये किस प्रकार से हम उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला आपके पास आता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम शॉर्ट में, और लॉन्ग टर्म में हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, और लॉन्ग में इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। तो देखिएगा, आपको टारगेट आलोक में है आप, ठीक ना, आप टारगेट आलोक के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, आपके भैया दीदी जो भी पहले यहाँ पर पढ़े हुए हों, आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आपको यहाँ पर क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई भी छलावा नहीं किया जाता, कोई भी दिखावा नहीं किया जाता, यहाँ पर आपको चीजें सिखाई जाती हैं, ना कि रटाई जाती हैं, यहाँ पर चीजें सिखाई जाती हैं। प्रत्येक टीचर जो है वो अपने आप में काबिलियत रखता है, प्रत्येक टीचर अपने आप में काबिलियत रखता है। पिछले भी बैच हम लोगों ने पढ़ाए हैं, चाहे वो TET का हो, चाहे वो सुपर टेट का हो, 69,000 में जो 21,000 कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उनमें भी हमारे स्टूडेंट हैं। आप जो भी देख रहे हो आप बता सकते हैं कितनी ईमानदारी पूर्वक आपको क्लासें पढ़ाई जाती हैं, और उद्देश्य रहता है कि बच्चा हमारे पास, वो कितना ज्ञान उसके पास कितना ज्ञान नहीं है, हम तो मान के चलते हैं कि वो जीरो लेवल पर है, और जीरो लेवल से उठाकर हमें उसे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाना है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाना है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो संस्थान की ओर से आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक ना। अब यहां पर देखिएगा, आप खुद से सीख जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र हमने कहा कि शॉर्ट में से इको सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। तो इको तो हो गया इकोलॉजी, है ना, इको का मतलब है इकोलॉजी, जिसको हमने बताया था पारिस्थितिकी होता है। अब जो यहां पर सिस्टम शब्द लिखा है, सिस्टम किसका अर्थ है, इंग्लिश में तंत्र को हम सिस्टम कहते हैं, इंग्लिश में तंत्र को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम शब्द का उपयोग आपने कई बार किया है, इस सिस्टम शब्द का उपयोग आपने कई बार किया है। मान लीजिएगा आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी के शादी समारोह में जाते हैं, कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर वहां पर चीजें प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही हैं, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर चीजें सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है। आप क्या कहेंगे कि यहां पर चीजें सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमैटिक सिस्टम में नहीं है, आप कहेंगे यहां पर चीजें सिस्टम में नहीं है। और सिस्टम में यहां पर चीजें नहीं है मतलब उन चीजों को कोई ना कोई गवर्न कर रहा होगा, आप अप्रत्यक्ष उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि आपके यहां चीजें सिस्टमैटिक नहीं है, इसके लिए उत्तरदायी आप हैं, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, आप हैं, और वो ही आप क्या हो गया, उस पूरे क्षेत्र का वो एक तंत्र हो गया जिसके माध्यम से सारी चीजें चलाई जा रही हैं। कहने का मतलब इतना है कि सिस्टम शब्द जहां पर भी आ जाए तो सिस्टम शब्द का अर्थ होता है व्यवस्थित, सिस्टम का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित या व्यवस्थित, सही रूप से, सामान्य शब्दों में सही रूप से। जब पारिस्थितिकी हमारी सही रूप से कार्य करने लगेगी, पारिस्थितिकी के जो घटक हैं वो घटक सही रूप से जब कार्य करने लगते हैं तो उसी को हम नाम दे देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से पूर्व हम आपको ये समझा देते हैं, जैसे पर्यावरण में बताया था, पारिस्थितिकी तंत्र के भी दो घटक होते हैं, वही दो घटक हैं, पहला सजीव यानी जैविक घटक और जो दूसरा निर्जीव। अब देखिएगा, मैंने जो अभी आपको समझाया वो यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव।
अब सजीव के अंतर्गत पेड़ पौधे और निर्जीव के अंतर्गत अन्य सारी चीजें, और अन्य सारी चीजों में निर्जीव के अंतर्गत यहां पर हम तीन सबसे महत्वपूर्ण इसके फैक्टर लिख रहे हैं। पहला स्थल मंडल, स्थल मंडल, उसके बाद जल मंडल, और उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि संपूर्ण धरातल के लगभग 71% भाग पर जल है, बचा कितना 29%, तो 29% भाग पर क्या स्थल, और हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण है उस गैसों के आवरण को नाम दिया जाता है क्या, उस गैसों के आवरण को नाम दिया जाता है वायुमंडल। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन आ जाता है, एक तो जीव जंतु आ जाता है और दूसरा कौन आ जाता है, पेड़ पौधे। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना दी उस व्यक्ति का नाम है आर्थर जॉर्ज टांसले, जिनको हम शॉर्ट में एजी टांसले कहते हैं, ठीक ना, एजी टांसले, आर्थर जॉर्ज टांसले, ठीक ना, टी ए एन एस एल ई वाई, आर्थर जॉर्ज टांसले नामक महोदय ने इस संकल्पना दी, और इस संकल्पना में उन्होंने कहा कि पर्यावरण के जो घटक हैं वही पारिस्थितिकी के घटक होते हैं, और पारिस्थितिकी के घटकों का यानी सजीव का और निर्जीव का आपस में एक अंतर संबंध होता है, और वह अंतर संबंध जो है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से, वह अंतर संबंध जो है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या करता है, कार्य करता है। जब यह सिस्टमैटिक ढंग बिगड़ जाता है, जब पर जो सजीव और निर्जीव के मध्य का जो अंतर संबंध है जब वो विफल हो जाता है, जब वो फैल हो जाता है, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर ये जो घटक हैं, इन घटकों का जितनी मात्रा है उस मात्रा में इनको बना रहना चाहिए। अगर इनके मध्य की जो व्यवस्था है, इनके मध्य का जो भी संबंध है, यदि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी के जो घटक है वही पर्यावरण के घटक हैं, तो ना केवल पारिस्थितिकी बल्कि पारिस्थितिकी के साथ साथ पूरा का पूरा पर्यावरण क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। देख सकते हैं आप कोविड 19 में यही तो किया गया कि मानव का प्रकृति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा, और मानव का जब प्रकृति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा तो प्रकृति ने अपना रुख मोड़ लिया, और प्रकृति ने जब अपना रुख मोड़ लिया तो पूरा देश बल्कि पूरा विश्व अपने घर में बंद हो गया। प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, समझ रहे ना आप। अगर जलमंडल से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, त्राहिमान त्राहिमान हो जाएगी। स्थल मंडल से अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, भूकंप ज्वालामुखी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वायुमंडल से छेड़छाड़ करेंगे तो वायुमंडल में जब गैसें नहीं होंगी तो सांस लेने में समस्या हो जाएगी, सांस लेने में कई सारी समस्याएं हो जाएंगी, समझ रहे ना। चलेगा तो आर्थर जॉर्ज टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी, और जिसमें इन्होंने कहा कि पर्यावरण के जो जैविक घटक होते हैं और पर्यावरण के जो अजैविक घटक होते हैं उनका आपस में एक अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है, उस इंटर रिलेशन को हम लोग समझते हैं। मान लीजिएगा यहां पर कोई पेड़ पौधा है, सजीव है, यहां पर कोई पेड़ पौधा है, ये सजीव है, यहां पर कोई पेड़ पौधा है और ये सजीव हो गया, यहां पर आपका वायुमंडल है, ठीक है, यहां पर आपका जलमंडल है, मान लीजिएगा मैं बना रहा हूं, और यहां मान लेते हैं हम स्थल मंडल है, यहां पर आपका स्थल मंडल है, इनका आपस में क्या है, अंतर संबंध है, किसका, स्थल मंडल जलमंडल वायुमंडल का नहीं, बल्कि स्थल मंडल जलमंडल वायुमंडल का पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों का स्थल मंडल जलमंडल और वायुमंडल से, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे पेड़ पौधे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं,
भाई सजीव है इसलिए श्वसन की प्रक्रिया करेंगे, और श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में वो वायुमंडल से, किससे, वायुमंडल से श्वसन की प्रक्रिया में वो कौन सी गैस लेते हैं, तो CO2 गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वापस वायुमंडल को कौन सी गैस कर देते हैं, तो वापस वायुमंडल को कर देते हैं ऑक्सीजन। कौन वापस कर देता है, पेड़ पौधे, कौन सी गैस को, ऑक्सीजन गैस को, ये क्या कर देता है, वापस कर देता है। अब बताइएगा यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या पेड़ पौधों का विकास संभव था, नहीं था, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या वायुमंडल का विकास होना संभव है, ये भी संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं कहां से, भारत वन स्थिति रिपोर्ट से, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जिसका मुख्यालय देहरादून में है, वो क्या करता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करता है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन रिपोर्ट से संबंधित, ठीक ना, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इस प्रकार के आपसे के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। तो पेड़ पौधे वायुमंडल से अगर अंतर संबंध है तो वायुमंडल भी पेड़ पौधा से संबंध रखता है, ठीक ना। अब आइए जलमंडल से, पेड़ पौधों का विकास तभी संभव है, पेड़ पौधों का विकास तभी संभव है जब पेड़ पौधों की जड़ों को किसकी प्राप्ति हो, जल की, और वो जल की प्राप्ति कहां से होगी, जलमंडल से होगी, अगर जलमंडल नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। अब जलमंडल से या पेड़ पौधों को जल की प्राप्ति 2 माध्यम से हो सकती है। मान लीजिएगा इस प्रकार से कोई पौधा है, यहां पर बादलों का निर्माण हो गया, बारिश होगी, है ना, जल मिल जाएगा, यहां पर धरातल है और धरातल में इसकी जड़ फैली हुई है, तो धरातल में जब जड़ फैली हुई है बारिश होगी, यहां जलमंडल है, तालाब है, यहां से पानी लाके यहां डाल देंगे तो जड़ के माध्यम से पौधे को किसकी प्राप्ति हो जाएगी, जल की प्राप्ति हो जाएगी, किसके माध्यम से, जड़ के माध्यम से हो जाएगी। तो स्थल मंडल से भी, भाई मिट्टी में होगा पौधा तो स्थल मंडल से भी इससे जल की प्राप्ति होगी और जलमंडल से भी इसे जल की प्राप्ति होगी, होगी या नहीं होगी। अब यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन समझते हैं, एक वाष्पीकरण होगा, जो तालाब है, तालाब पर जैसे सूर्य की किरण पड़ती हैं, जल वाष्प के रूप में जाता है, जल वाष्प बोलते हैं उसको, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उन पत्तियों पर जो ओस होती है या उन पत्तियों में जो पानी होता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वहां से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक ना, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर यदि घने वन लगे हुए हैं, अधिक मात्रा में यदि पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब वो बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो बादल वहां पर आकर क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, जिस कारण से जलमंडल को किसकी प्राप्ति हो जाती है, जल की प्राप्ति हो जाती है। स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल से जो पेड़ पौधे हैं उन्हें जल तो मिलता ही है, जल के साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण खनिजों की भी प्राप्ति होती है। यदि आप पेड़ पौधों में उर्वरक नहीं डालेंगे, उर्वरक या पोषक तत्व तो हम कह देते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, यूरिया का अगर आपने पैकेट देखा होगा तो उस पर NPK लिखा रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आपके घर में अधिकांश लोगों के यहाँ खेती बाड़ी होती होगी, अच्छे से समझते हैं बात कि हम खाद जो होती है जिसको उर्वरक बोलते हैं उसे हम पौधों की जड़ों में डालते हैं, ना कि पौधे के पत्ते पर डालते हैं, पौधों की जड़ों में डालते हैं, पानी डालते हैं तो जड़ों के माध्यम से वो मिट्टी में घुलता है और फिर उसकी जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो धीरे धीरे पौधे में प्रवेश कर जाता है। तो इसके लिए पौधों के वृद्धि और विकास के लिए खनिज आवश्यक हैं और खनिजों को हम कहाँ डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, और मिट्टी जो है वो किसका भाग है, वो स्थल मंडल का भाग है। तो स्थल मंडल से जल और जल के साथ साथ पेड़ पौधों को किसकी प्राप्ति होती है, पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, पोषक। यदि पेड़ पौधे स्थल मंडल से पोषक तत्वों को लेते हैं तो स्थल मंडल को पोषक तत्व वापस भी करते हैं। कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनके जड़ों से पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है और वो नाइट्रोजन वो कहां पर डाल देती, मिट्टी में, जैसे चने का पौधा होता है, तो चने की जड़ है, मटर की जड़ है, उसे पर्याप्त मात्रा में
किसकी प्राप्ति होती है? नाइट्रोजन की। और वो पौधे अपने नाइट्रोजन को कहां डाल देते हैं? मिट्टी में। और वो मिट्टी दूसरे पौधे को क्या कर देती है? वो पोषक तत्वों को दे देती है। तो यदि स्थल मंडल से पेड़ पौधे पोषक तत्व ले रहे हैं तो पोषक तत्व स्थल मंडल को वापिस भी कर देते हैं। पोषक तत्व स्थल मंडल को क्या कर देते हैं? वापिस भी कर देते हैं। तो आप देखिएगा, वायुमंडल नहीं होगा, जल मंडल नहीं होगा, स्थल मंडल नहीं होगा तो पेड़ पौधे का विकास नहीं होगा। उसी प्रकार यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, इनका भी विकास हो पाना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। आप देखिएगा कितने सारे आप क्वेश्चन सुनते रहते हैं, पेड़ नहीं तो कुछ नहीं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक है। वनों से अगर वन नहीं होंगे तो आप बताइएगा मानव जीवन कैसे संभव होगा, श्वसन की प्रक्रिया कैसे होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, कई सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, जिस कारण से इस धरातल पर कहीं ना कहीं मानव जीवन संकट में आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि वैज्ञानिक जमाना है आजकल का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ ना कुछ विकल्प खोज लिया जाएगा। लेकिन कब तक वो विकल्प रहेगा, कब तक वह विकल्प रहेगा, कब तक हम विज्ञान के भरोसे जीवित रहेंगे, कब तक? अगर विज्ञान इतना ही सक्षम था तो आज कोरोना की वैक्सीन आ जानी चाहिए थी। मैं नहीं कह रहा हूं विज्ञान सक्षम नहीं है, लेकिन विज्ञान सक्षम है, लेकिन विज्ञान से भी ज्यादा सक्षम है प्रकृति। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रकृति के साथ यानी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़छाड़ होती है, कोई भी एक घटक प्रभावित होता है, ये असंतुलित हो जाएगी। और जब ये असंतुलित हो जाएगी तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वर्तमान में एक समस्या आपके सामने है, ऐसे पता नहीं कितने प्लेग की समस्या फैली थी भारत में। हालांकि वो उस समय फैली थी जब हम लोगों का जीवन ही संभव नहीं था, यहां पर हम लोग जीवित ही नहीं थे, है ना। प्रदूषित जल के कारण हैजा फैलता है भाई, जल प्रदूषित हो गया, इस जल का शुद्धिकरण भी पेड़ पौधों के माध्यम से ही किया जाता है, समझ रहे ना बात। तो यदि इनमें से चाहे जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, कोई भी एक प्रभावित होता है, पूरा का पूरा पर्यावरण, पूरी की पूरी पारिस्थितिकी क्या हो जाएगी? विफल हो जाएगी। और फिर से हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बोलेगा समझ में आ रही ना बातें। तो आज मैंने आपको दो शब्द समझाए हैं, एक पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, और इन दोनों के मध्य में अंतर क्या है। पारिस्थितिकी में हम किसी भी जीव जंतु यानी पारिस्थितिकी की देखिएगा अंतर समझिएगा, पारिस्थितिकी अकेला शब्द आ जाए तो पारिस्थितिकी में हम केवल सजीवों का अध्ययन करते हैं उनके निवास स्थान, उनके वास स्थान के आधार पर। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में हम सजीव और निर्जीव दोनों का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्थर जॉर्ज टॉन्सले महोदय के अनुसार जो 1935 में उन्होंने संकल्पना दी थी, इनके अनुसार जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो आपस में अंतर संबंध है। यदि इनका अंतर संबंध बिगड़ता है तो पूरी की पूरी जो पर्यावरण की संरचना है, जो पर्यावरण की व्यवस्था है, जो पर्यावरण का तंत्र है, जो पर्यावरण की सिस्टमैटिक व्यवस्था है, सिस्टम है, वो फैल हो जाएगा। और जब ये फैल हो जाएगा तो कई प्रकार की चुनौतियों का मानव को सामना करना पड़ेगा, बोलेगा बात क्लियर है। तो यहां पर हमने पेड़ पौधों का रखा, अब अगले टॉपिक में जो होगा वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। अब जैविक घटकों में जब हमने पेड़ पौधों को पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम जीव जंतुओं की, मानव की, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, चूहा, जो भी है उनकी बात करेंगे। और अजैविक घटकों में हम बात करेंगे कार्बनिक पदार्थों की, अकार्बनिक पदार्थों की, जिसमें आपको चक्र पढ़ने होते हैं, रासायन भू जैविक चक्र, रसायन चक्र, सल्फर चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इन सब की हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, बकाया नीचे नंबर दिया जा रहा है, एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता दी गई है, नंबर है, आप उन पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर है, कॉल कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक ना। इंडिया के बेस्ट टीचरों के माध्यम से आलोक सर, रवि सर के निर्देशन में ये बैच चलाया जाएगा और 100% इसमें आपको सफलता अर्जित की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।